गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज हम हिंदी में पार्ट एक का व्याकरण वाला भाग पढ़ेंगे। आपका प्रश्न नंबर 14 दिया है, दिए गए संज्ञा शब्दों के वचन बदलो। अब आपको ये संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इनके क्या करना है, आपको वचन बदलना है। आपको ये एक वचन में दिए गए हैं तो किस चीज में बदलना है, बहुवचन में। एक वचन मतलब क्या होता है, एक होना कोई भी चीज का, और बहुवचन यानी बहुत सारे। पहला दिया है आपका रेशा, रेशे का बहुवचन क्या होगा, रेशे। फिर क्या लिखा है, पौधा, उसका पौधे। किस्सा, किस्से। रस्सी, रस्सियां। कविता, कविताएं। घटना, घटनाएं। तो ये कैसे करा है आपने, एक वचन को काय में बदला है, बहुवचन। एक वचन यानी होता है एक होना, और बहुवचन यानी बहुत सारे होना। प्रश्न नंबर 5, दी गई पंक्तियों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखो। अब आपको ये कुछ पंक्ति दी गई है, इन पंक्ति में से आपको क्या करना है, जो संज्ञा शब्द है यानी इस पंक्ति में जो भी संज्ञा शब्द है उसको बताना है, ठीक है, उसको छांटकर हमें लिखना है। अब संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा यानी क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम होना, किसी जानवर, किसी वस्तु, किसी जगह, इनका नाम होना, उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपको इन पंक्ति में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखना है। पहला लिखा है, एक एक रेशा मिलने से बन जाता है रस्सा। अब इन इस पंक्ति में से क्या है संज्ञा, रस्सा, ठीक है। रस्सा मीन्स क्या होता है, रस्सा यानी रस्सी। रस्सी क्या है, एक वस्तु है, तो वस्तु क्या है, संज्ञा कहलाती है, इसलिए रस्से पे हमने ये लाइन बना दी, ठीक है। तो ये रस्सा क्या है, आपका संज्ञा शब्द है। दूसरा, तरह तरह के पौधे मिलने से बन जाती है बगिया। अब इसमें क्या, पौधे, पौधे यानी पेड़ पौधे, ये क्या है, आपका संज्ञा है, इसलिए इसमें हमने लाइन बना दी। और बगिया, बगिया यानी बाग, बगीचे, उसे ही हम बगिया कहते हैं, तो ये भी क्या है, आपका संज्ञा शब्द है। तीसरा, सैनिक एक एक मिलता तो सेना है बन जाती। अब इस पंक्ति में सैनिक, सैनिक क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और सेना, सेना भी क्या है, संज्ञा शब्द है। चौथा, एक एक अक्षर जुड़ने से कविता है बन जाती। अब इसमें क्या, कविता, ये क्या है, आपका संज्ञा शब्द है, इसलिए हमने इसके नीचे क्या लाइन बना ली, ठीक है। तो ये वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, पंक्ति में से आपको संज्ञा शब्द को छांटकर लिखना है। प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। अब आपको ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्द की क्या करना है, समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी शब्द यानी समान शब्द, जैसे बगिया, बगिया को और क्या क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समानार्थी यानी समान शब्द। जैसे पर्यायवाची में हम लिखते, यानी पर्यायवाची का ही मतलब होता है समानार्थी शब्द। पहला लिखा है बगिया, बगिया को क्या कहा जाता है, और बाघ। दूसरा, अक्षर, अक्षर का वर्ण। तीसरा, जनता, जनता का लोग। चौथा, राष्ट्र, देश। पांचवा, शक्ति, बल। छठा, सोपान, सीढ़ी। तो इसमें हमें क्या करना है, समानार्थी शब्द लिखना है, ठीक है। सो आप इन हेडिंग्स को, जितनी भी अभी हमने करवा दी, वो आप अपनी हिंदी की CW कॉपी में नोट डाउन करेंगे, फिर हम अगली वीडियो में आगे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।